ओके okay, नमस्कार जय भवानी दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास ट्वेल्थ से जैसे कि हम अलग अलग डेली लेके आ रहे हैं अलग अलग क्लासेस थे तो आज क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक होगा क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स ओके बायो मोलिक्यूल्स के बारे में आज पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ टॉपिक्स होंगे उस पर डिस्कस करने वाले हैं तो चैप्टर का नाम होगा बायोमोलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स होता क्या है वॉट इज मॉलिक्यूल्स मीन्स फर्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स डेफिनेशन दिस मॉलिक्यूल इज द केमिकल मॉलिक्यूल इज द केमिकल विच इज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बायोमोलिक्यूल्स इज अ केमिकल इज अ केमिकल कंपाउंड इट इज अ केमिकल कंपाउंड केमिकल कंपाउंड उंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों तो दोस्तों क्या होता है सबसे पहले हम यही बात करने वाले हैं कि क्या होता है ये कैसे होता है कैसे नहीं होता तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है बायोमोलिक्यूल्स की तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है ये केमिकल कंपाउंड होता है बायोमोलिक्यूल्स इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके अंदर पाया जाता है बायोमोलिको से केमिकल कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाया जाता है दूसरी बात दीज इंक्लूड केमिकल्स दीज इंक्लूड केमिकल्स केमिकल्स सॉरी कंपोस्ट ऑफ मेनली मेनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस अब बात आती है क्या ये क्या लिखा हमने कहा गया कि मींस दीज इंक्लूड केमिकल कंपाउंड्स। दीज़ इंक्लूड दीज इंक्लूड केमिकल कंपोज सॉरी दीज इंक्लूड केमिकल कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन हमने कहा गया ये केमिकल्स होते हैं ये बने किससे होते हैं इनके अंदर जो केमिकल्स होते, है, है, होते हैं बायोमोलिक्यूल्स है दूसरी बात किससे बना होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और तीसरी बात आती है सल्फर और इनसे ये बना होता है, ओके? इतनी बात आई थिंक समझ में आया होगा ओके एग्जाम्पल नो फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्ले दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी इन द लिविंग ऑर्गेनिज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके तो क्या करता है ये एक ह्यूमन सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं और अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे और वी कैन से डेट दे आर द बेसिक दे आर बेसिक फंडामेंटल यूनिट दे आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लियर और ये क्या होते हैं ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं मीन्स अगर ये नहीं हो तो लिविंग बॉडी भी नहीं होगी ओके okay? तो बात करते हैं अब इसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स सच एज वॉट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आता है इसमें नेक्स्ट प्रोटीन प्रोटीन्स नेक्स्ट व्हाट विटामिन्स विटामिन्स कोमा न्यूक्लिक एसिड एसिड्स कोमा ईटीसी इसमें और बहुत सारे आते हैं ओके okay ना समझ रहे हो हमने कहा गया कि क्या होते हैं सबसे पहली बात यह आते है कि ये केमिकल कंपाउंड होते हैं और किसके अंदर पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं नेक्स्ट ईदीज इंक्लूड्स केमिकल कंपोज अब इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं कार्बन से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से सल्फर से और फॉस्फोरस मतलब जो कंपाउंड बनेंगे इन्हीं को कंबाइन हो होकर okay? वो कंपाउंड बनेंगे कौन से कंपाउंड केमिकल कंपाउंड कौन जिससे कौन बना जो जिससे कौन बना मोबाइल मोलिक्यूल्स ओके नाउ और ये क्या करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो कहें तो ये क्या होते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल आते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन न्यूक्लिक एसिड और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं ओके नाउ बात आती है अब एक और कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद विच डील्स विद बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स अब बायोमोलिक्यूल से जो केमिस्ट्री की ब्रांच डील करती है क्या कहलाती है नॉन एज बायो केमिस्ट्री नॉन एज बायो केमिस्ट्री और ये क्या कहलाती है यही कहलाती है बायो केमिस्ट्री ओके तो दोस्तों आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट वन अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की इसके ओके <स्याँग> okay. Flow chart. Flow chart means in a short way. In a short way highlight all biomolecules. Or we can say that those chart which explain which explain all biomolecules in a briefly. In a briefly, then this chart known as about biomolecules. First of all, the biomolecules. This one is the biomolecules. Biomolecules are of how many types? Example. Example they are of six types. And the last one sorry, this one one, two, three, four, five, and the last one is this one six. First of all, biomolecules are of six types. Listen, first of all what carbohydrate carbo hydrates. These are the example of biomolecules. Second one is the proteins proteins, okay? नेक्स्ट वन इज द वॉट नेक्स्ट वन इज विटामिन नॉट विटामिन नॉट विटामिन वॉट नेक्स्ट वन इज किसी को पता है क्या होता नहीं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें विटामिन से लिख देते हैं ओके विटामिन नेक्स्ट आता है वॉट न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड्स नेक्स्ट आता है एंजाइम्स और सबसे लास्ट वाला आता है हॉर्मोन्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा ये इसके एग्जाम्पल हैं क्या क्या है बायोमोलिक्यूल्स सिक्स एग्जाम्पल्स के मेन है जो कि हम क्लास ट्वेल्थ में पढ़ेंगे और दोस्तों ये चैप्टर कितने कवर करता है सिक्स टू सेवन मार्क्स में कवर करता है ये बोर्ड में ओके okay. तो दोस्तों ध्यान रहे बहुत इजी चैप्टर है एक एक टॉपिक पढ़ के चलेंगे ओके okay. तो हमने कहा बायोमोलिक्यूल्स के सिक्स पार्ट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट्स के वो एग्जाम्पल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट सेकेंड प्रोटीन थर्ड विटामिन फोर्थ न्यूक्लिक एसिड, फिफ्थ एंजाइम्स एंड सिक्स वन इज द हॉर्मोन्स ओके नाउ अब बात करेंगे हम इसमें क्या सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट को फिर से कितने भाग में डिवाइड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट अगेन डिवाइड इन थ्री पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द मोनोसेकड मोनोसेकड्स दिस वन इज द ओलिगोसेराइड्स ओलिगोसेराइड्स एंड दिस वन इज द पोलिस पोलीसेराइड्स ओके ये किसके बेसिस पर चल रहे हैं ये हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर है अब बात आती है मोनोसेखेराइड को कितने भाग में डिवाइड किया गया है इसको पहले हम बाद में करते हैं सॉरी सबसे पहले हम बात करते हैं क्या सॉरी नो 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 सॉरी ये सही है हम इसको क्या करेंगे हम मोनोसेकेराइड यूनिट हम यहाँ पर लिखेंगे मोनोसेकेराइड यूनिट अगर बात किया जाए तो मोनोसेकेराइड यूनिट को दो भाग में डिवाइड किया गया है मोनोसेकेराइड यूनिट को फर्स्ट ऑफ सॉरी तीन थ्री एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट ग्लूकोज दिस वन इज द फ्रुक्टोज एंड लास्ट वन इज द राइबोज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेकेराइड क्या क्या होंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज ओके ना नाउ द ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैराइड

सेखराइड नोना द लास्ट वन इज द डेका सेखेराइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन होंगे टू टू कहाँ तक होते हैं टेन मिनिट्स तक होते हैं ओके okay? ये क्या होगा इसके पार्ट्स हो गए ओलिगोसेराइड के ओलिगोसेराइड की बात अगर आती है तो हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे डाय सेखेराइड के बारे में बात पढ़ेंगे अब डाई सेखेराइड की बात आते हैं ये कितने में होते हैं डाइसेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं ये थ्री एग्जाम्पल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट सुक्रोज सेकेंड होगा माल्टोज द लास्ट वन होगा लेकटोज थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो गया है अभी फिर से बताऊंगा क्लियरली बोलने लगेगा ओके okay? नाउ ये किसके किसके पार्ट है ये डायसेराइड के पार्ट है अब बात आती है पोली की ओके okay? पोलिस एथेराइड में क्या होता है कि पोलिस एथेराइड में कितने होते हैं पोलिस में तीन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट वन इज द व्हाट फर्स्ट वन इज द स्टार्च सेकंड इज द सेल्यूलोज एंड थर्ड वन इज द ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन तो दोस्तों ये किसका पार्ट है टोटल ये, ये किसके पार्ट आते हैं ये आते हैं अभी कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स ओके देखो फिर से कार्बोहाइड्रेट ये सिक्स पार्ट सिक्स एग्जांपल होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन एसिड एंजाइम्स और हार्मोन्स सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया जाता है तीन पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसेकेराइड ओलिगोसेराइड पोलीसेखेराइड मोनोसेखेराइड में एक ही यूनिट होती है ठीक है जो कभी भी क्या नहीं होती हाइड्रोलाइज नहीं होती इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज किसके पार्ट है तीनों ये मोनोसेखेराइड के ओलिगोसेराइड में क्या होते हैं टू से लेकर टेन मोनोसेकेराइड यूनिट होती हैं इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया अगर किसी में टू होंगी डाई तीन होंगी ट्राए टेट्रा पेंटाइ उसी तरीके टेन तक कितनी होती है डेका अब इसको फिर से डिवाइड किया जाता है डाई को डाई सेखेराइड वो जो दो यूनिट देते हैं एक एग्जाम्पल आता है इसमें सुक्रोज दूसरा आता है माल्टोज तीसरा आता है लेकटोज ओके ना ये डाई सेखेराइड हुए बात करते हैं सॉरी किसके पोलिकोराइड के डायराइड पार्ट है, है? है? दोस्तों ले सकते हैं ये क्या है यह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है ओके प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे हम ओके प्रोटीन के बारे में अगर हम देखें इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाला पोर्शन रोकेंगे प्रोटीन अब प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन भी कितने तरीके का होता है टू पार्ट्स का टू दो तरीके का होता है प्रोटीन्स आर ऑफ टू पार्ट्स प्रोटीन का कितना होता है टू पार्ट्स होता है एक होता है फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन सेकेंड होता है क्या ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन ओके क्या क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन होगा ओके okay ना अब फाइब्रस प्रोटीन भी अलग अलग तरीके होता है poly, so polypep, इस से होते हैं। तो इसको हम okay? तो इधर साइड में लिख देते हैं यहां वॉट ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन जो भी सिंपल मेन मेन है उसके हेडिंग वो देखते हैं विटामिन की बात आती है विटामिन भी दो दो तरीके के होते हैं विटामिन टू पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉटर सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल सेकेंड वन इज द फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल जितने भी पार्ट हम लिख रहे हैं सबके सब पर हम डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में तो आज हम सिर्फ इसको हाईलाइट कर रहे हैं ओके ना विटामिन क्या है वॉटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल ओके नाउ नेक्स्ट वन इज वॉट दिस वन टू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड वन इज दर एन कोई टाइप नहीं होता हॉर्मोन्स का ही अलग अलग पार्ट्स होते हैं हॉर्मोन्स भी वैसे देखा कोई पार्ट्स नहीं होता ऐसे तो हम इसको सिंगल सिंगल इसको पढ़ने वाले हैं ओके okay? तो बात करेंगे फिर से एक बार और तो कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं प्रोटीन दो भाग में होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइब्रस प्रोटीन सेकेंड वन इज द ग्लोबलर प्रोटीन उसी तरीके विटामिन भी दो पार्ट में होता है वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल न्यूक्लिक एसिड भी टू पार्ट्स में होता है डी एंड आर एंजाइम्स में कोई डिवाइडेश कोई नहीं होता इसमें क्लासिफिकेशन ना हो हार्मो में भी कुछ है नहीं होता है. तो दोस्तों हमारा ये क्या है ये हमारा फ्लो था क्या था ये फ्लो था तो आगे क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट में तो दोस्तों आज का सिर्फ हमारा इस पर हाईलाइट हाईलाइट का ये था तो आगे वो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स और सबसे बड़ा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का ही रहने वाला है सेकेंड नंबर पर प्रोटीन रहेगा और फिर ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आर एन का भी छोटा सा टॉपिक है ये और प्रोटीन लगभग सेम से रहेंगे बाकी अगर एनजाइम्स विटामिन और हारमोन्स ये तीनों एक से रहेंगे इन पर ज़्यादा कवर नहीं इन पर क्या ज़्यादा कोर्स कवर नहीं करता इन पर ज़्यादा कवर्स करता है तो सबसे ज्यादा पोर्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट का तो दोस्तों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा भी ले सकते हैं आप इसका चाहे तो दो। तो दोस्तों आज हमारा फ्लोर चार्ट कहा था और आगे क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट पर डिस्कस करेंगे और इसको डीपली से लेके चलेंगे इनके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे सारे स्ट्रक्चर हम बताने वाले हैं ओके तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में ध्यान रखिएगा अपना ओके जय हिंद